हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्या हैं। सबसे पहले चार पांच क्वेश्चन वो हैं जो टेस्ट में आप लोगों के डाउट्स आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक हमारा कूलम्स लॉ में बचा हुआ है जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। वो जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा जो आपके टेस्ट में डाउट आए हैं। तो उनमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास में वो ये है। एक बार ना हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन को हटा दूंगा और दूसरी जगह जाकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, देखिए प्रॉब्लम क्या कहती है बेटा, आइए देखते हैं एक बार, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या कहती है, प्रॉब्लम यह है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। इफ ईच इज गिवेन एन एडिशनल चार्ज ऑफ माइनस के 6 माइक्रोकुलम द न्यू फोर्स इज, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक 3 माइक्रोकुलम है और एक 4 माइक्रोकुलम है, और उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है बेटा वो 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। अगर हमने हर एक चार्ज को माइनस के 6 माइक्रोकुलम एडिशनल चार्ज दिया तो ऐसा करने से इनके बीच में जो नया फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से प्रॉब्लम को ना बेटा किसी और जगह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अरे स्पेस नहीं है हमारे पास में। चलिए तो फिर यही कर देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, अगर स्पेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को यही सॉल्व कर देते हैं। भाई एक है हमारे पास में प्लस 3 माइक्रोकुलम्ब, दूसरा है हमारे पास में प्लस 4 माइक्रोकुलम्ब। इनके बीच का गैप हम लोगों ने लेट कर लिया है R, क्योंकि गैप हमें नहीं दिया गया है, और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है अभी वो 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इनके बीच में ना अभी जो इक्वेशन बनेगी बेटा, इक्वेशन बनेगी इनके बीच में ये F इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9, या 9 × 10 की पावर 9 नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दो 1/4π ε0। एक चार्ज है आपके पास में 3 × 10 की पावर -6, दूसरा चार्ज है आपके पास में 4 × 10 की पावर -6, इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर, इनके बीच का गैप यहाँ आपको दे रखा है बेटा आर, तो नीचे हो गया आर स्क्वायर, और फोर्स काम कर रहा है इनके बीच में 10। ये हो गई है हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई है स्टूडेंट हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि अगर मैंने इसे माइनस के 6 माइक्रोकुलम, इस वाले को मैंने अगर माइनस के 6 माइक्रोकुलम दिया तो ये कितना हो जाएगा। तो देखो यार थोड़ा सा समझो ध्यान से, ये अभी प्लस 3 है, अगर मैं प्लस 3 को माइनस के 6 दूंगा तो प्लस 3 और माइनस 6 इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो माइनस के 3 आएगा, यानी जैसे ही माइनस के 6 माइक्रोकुलम इसे दिया जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस के 3 माइक्रोकुलम। इसके बाद देखो बेटा आप यहां भी दूसरे वाले को भी हमने इतना ही चार्ज दिया, यहां है प्लस 4, इस प्लस 4 को हमने माइनस 6 दिया, क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि इसे भी माइनस 6 दिया, तो प्लस 3 और माइनस 6 माइनस के 3 हो गया, दोनों चार्जेस को जोड़ दिया हमने। ऐसे ही प्लस 4 को हमने माइनस 6 दिया तो प्लस 4 और माइनस 6 ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 2 माइक्रोकुलम। बात समझ में आ रही है, एक हो गया है माइनस के 3 और एक हो गया है माइनस के 2, प्लस 4 और माइनस 6 माइनस 2, इनके बीच का गैप अभी भी उतना ही है R। हाँ इनके बीच का फोर्स हमें नहीं पता है कितना है, फोर्स हो गया है F डैश। आइए फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कितना होगा। F डैश इज इक्वल टू 1/4π ε0। एक चार्ज है मेरे पास में 3 × 10 की पावर -6, दूसरा चार्ज है 2 × 10 की पावर -6 और नीचे हो गया है आर स्क्वायर। मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1 और मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 2।
उम्मीद है कि आप हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आइए एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से। तो जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे, तो देखो बेटा डिवाइड करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, 10 को डिवाइड करेंगे एफ डैश से, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू, इक्वेशन वन है ना ये, और ये इक्वेशन टू है। हमने इक्वेशन वन को डिवाइड किया इक्वेशन टू से, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, 10^-6, 10^-6, 10^-6, 10^-6 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ ऊपर बचा हमारे पास में 4 और यहाँ नीचे हमारे पास में बचा 2, ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 2, इससे ये कैंसिल आउट 2 और इससे ये कैंसिल आउट, तो बेटा एफ डैश की जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी वो 5 न्यूटन निकल कर आई है। अगर मैंने दोनों को एडिशनल चार्ज माइनस के 6 μC दिया तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो 5 न्यूटन का फोर्स काम करेगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बेटा। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। इस क्वेश्चन का जो मेन टर्निंग पॉइंट है, जहां आकर क्वेश्चन बदल रहा है, जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब आप 3 को माइनस के 6 प्रोवाइड कराओगे तो +3 और -6 -3 हो जाएंगे, और जब आप +4 को -6 प्रोवाइड कराओगे तो +4 और -6 यहाँ हो जाएंगे -2 μC, और ये कंडीशन हमारे पास में बनेगी एफ डैश इज इक्वल टू 5 न्यूटन। जल्दी से नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप लोगों के डाउट में ये एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉब्लम सेकंड पर और देखते हैं कि प्रॉब्लम सेकंड क्या है। आप लोगों ने अपने डाउट में जो प्रॉब्लम सेकंड हमसे पूछी है वो ये है बेटा, 26th प्रॉब्लम है, 26th। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, जरा एक बार समझते हैं। द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन इज, यानी आपको यहाँ तो दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन यानी -e, और यहाँ आपको दे रखा है एक प्रोटॉन यानी +e, और इनके बीच का गैप आपको दे रखा है r। एक बार तो आपको इनके बीच में निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो भैया, एक -e यानी इलेक्ट्रॉन, एक +e यानी प्रोटॉन, -+ हमेशा एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू हमारे पास में होगी ये 9×10⁻⁹, यानी 1/4πε0। इसका चार्ज हमारे पास में होगा ये 1.6×10⁻¹⁹। प्रोटोन का चार्ज भी इतना ही होता है, यानी 1.6×10⁻¹⁹। और इनके बीच का गैप हो गया r². लो भैया, ये हो गई हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। बेटा ये हमारे पास में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है। बात समझ आई आप लोगों को? इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना अट्रैक्शन इनके बीच में काम कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है me और प्रोटॉन का मास होता है mp। इलेक्ट्रॉन का मास है me और प्रोटॉन का मास है mp। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बीच में एक अट्रैक्शन और काम करेगा। एक तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मास के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल जी m1 m2/r². ये ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है। अब कैपिटल जी की वैल्यू है हमारे पास में 6.67×10⁻¹⁰। m1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9×10⁻³¹। m2 का मतलब है प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास बेटा इतना होगा आपके पास में, और अपॉन में है r², ठीक है। बात समझ आ रही है? ये हो गई आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई आपके पास में इक्वेशन सेकेंड।
इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों के बीच में काम कर रहा है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इक्वेशन टू में इनके बीच में काम कर रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बात। अब हमने एक काम किया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें इनका ना रेशो ही चाहिए था। रेशो, रेशो का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशो निकल जाएगा आपका। आइए देखते हैं कि डिवाइड करके कैसे रेशो निकलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा मेरे पास में 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 × 1.6 × 10⁻³⁸ ये मैंने सॉल्व कर लिया। जब रेशो करेंगे ना बेटा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। नीचे देखिए क्या आने वाला है, 6.67 × 10⁻¹ⁱ साथ में होगा 9 × 10⁻³⁹ साथ में होगा 1.67 × 10⁻²⁷। जब हमने डिवाइड किया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये वाली वैल्यू तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है और ये वाली वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की है। अब कुछ नहीं बचा भैया, कैलकुलेशन बची है। अब आप ढंग के साथ इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं सबको एक साथ रख लो, 9 × 1.6 × 1.6 ऐसे ही अपॉन में, यह है 6.67, यह है 9 और यह है 1.6 लिख लो या 1.67 लिख लो, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का मलका ही फर्क पड़ेगा, तो हम दिखा नहीं रहे हैं उसे। 1.67 को 1.6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो, इंटू 10⁻³ यह है +9, इंटू 10⁻³ यह है −38, इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा +27, ये ऊपर जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा +31, ये ऊपर जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा × 10⁻¹ⁱ ठीक है। 9 से 9 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। अब तो मैं आगे खुद सॉल्व करना है, बहुत मैंने सॉल्व कर दिया। 1.6 ऊपर है, 6.67 नीचे है और ये पावर्स हैं। इन सब को सॉल्व करके करेक्ट आंसर देख लेना कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इतना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और इतना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। M1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास और M2 का मतलब है प्रोटॉन का मास, और R है उनके बीच का गैप। दोनों को डिवाइड करके ये हमने रेशो निकाल दिया बेटा, ठीक है। करिए जल्दी से नोट डाउन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। तो दो क्वेश्चन बेटा आप लोगों के हो गए जो आप लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अच्छा 27 आपने नहीं पूछा था, ठीक है। 25 प्रॉब्लम थी, 26 प्रॉब्लम थी, 27 तो बता चुका हूँ मैं पहले भी। एक प्रॉब्लम 28 है और एक प्रॉब्लम 29 है। तो अभी हम 28 पर आ जाते हैं बेटा, देखते हैं कि 28 क्वेश्चन में क्या डाउट है, ठीक है। चलिए देखिए 28 क्वेश्चन में क्या डाउट है बेटा। अंडर द एक्शन, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्या आप लोगों से पूछा गया है। फिजिक्स में सबसे पहली चीज यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के प्रॉब्लम को पढ़ना है, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आपको दे रखी है उन सबको निकाल कर एक तरफ लिख लेना है, और फिर आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमसे पूछी है और जो वैल्यू हमसे पूछी है उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमारे पास में होता है। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। चलो, अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन कोलम्बिक फोर्स द एक्सिलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन हमें दे रखा है ये, ठीक है। देन
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ए प्रोटोन अंडर द एक्शन ऑफ अ सेम फोर्स इज नियरली, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ए प्रोटोन अंडर द एक्शन ऑफ ए सेम फोर्स इज नियरली। देखो बेटा, आपको क्या कहा, एक आपके पास में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, और यहां है आपके पास में प्रोटोन E प्लस, और यह है इनके बीच का गैप R। एक हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास में है प्रोटोन, और यह है इनके बीच का गैप। हमें यह कहा कि भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन को हमने एक दूसरे के नजदीक रखा, ये माइनस है ये प्लस है, और हम जानते हैं कि माइनस प्लस हमेशा एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, ये माइनस इस प्लस की तरफ जाएगा और ये प्लस इस माइनस की तरफ आएगा, यानी ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा और इधर जाते हुए इसका एक्सिलरेशन होगा ए वन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इधर जाते हुए ये जो ये वाला है ये इधर जाएगा और इधर जाते हुए इसका एक्सिलरेशन होगा ए टू। दोनों एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं बेटा, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो, दोनों एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है। अच्छा, उसने ये कहा कि जितना फोर्स यहाँ काम करेगा F, बिल्कुल उतना ही फोर्स यहाँ काम करेगा F, और ये तो हम जानते भी हैं भाई, उसने कोई नई बात थोड़ी हमें बता दी, ये तो हम जानते हैं कि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। बताइए आप लोगों को समझ आया नहीं आया, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है एम ई और प्रोटॉन का मास होता है एम पी। तो बेटा देखो हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से बिल्कुल, हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन पर फोर्स काम कर रहा है F, एक्सिलरेशन है A1 और इलेक्ट्रॉन का मास है इतना, तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। फिजिक्स के इतिहास की सबसे आसान इक्वेशन F इक्वल टू एम ए, हर बच्चा इस बात को जानता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F इक्वल टू एम ए, ऑलमोस्ट लगभग लगभग हर बच्चे को इसके बारे में पता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स काम कर रहा है एफ, मास इतना है, एक्सीलरेशन इतना है, तो हमने लिख दिया एफ इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में हो गया एक्सीलरेशन। अब हम प्रोटॉन के लिए लिखते हैं, वहां भी इतना ही फोर्स काम कर रहा है एम पी और एक्सीलरेशन हो गया ए टू, इक्वेशन नंबर टू। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब मुझे एक बात बताइए, पहली इक्वेशन भी किसके इक्वल है, F के, जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बनाई है, और दूसरी इक्वेशन भी किसके इक्वल है, F के, जो हमने प्रोटॉन के लिए बनाई है। उसने कह रखा है कि दोनों पर सेम फोर्स काम कर रहा है, और फोर्स को हम मास इनटू एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। सो ये भी F के इक्वल और ये भी F के इक्वल, हमने दोनों को बराबर रख दिया आपस में, इक्वेशन एक इक्वल टू इक्वेशन टू। देखो जैसे ही हमने इन्हें बराबर रखा तो ये बन गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ए वन और यहां बन गया मास ऑफ प्रोटॉन ए टू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ए वन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन और ए टू का मतलब है प्रोटॉन का एक्सिलरेशन। हमें ए पी चाहिए ए पी, तो ए पी की वैल्यू आ गई एम ई ए ई डिवाइडेड बाय एम पी, ये निकल गई भाई हमारी ए पी की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन आपको दे रखा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन 2.5 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय, प्रोटॉन का मास होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ये हमारा प्रोटॉन का एक्सिलरेशन निकल जाएगा बेटा। ऐसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई हो बात, जितना फोर्स यहाँ उतना ही फोर्स यहाँ, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, प्रोटॉन का मास एम पी, इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन ए ई और प्रोटॉन का एक्सिलरेशन ए पी। हमने एक इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए बनाई
दूसरी इक्वेशन प्रोटॉन के लिए बनाई, यहाँ आएगा ए ई और यहाँ आएगा ए पी, दोनों को इक्वल रखा आपस में और ये निकल गई हमारी ए पी की वैल्यू। ए पी का मतलब है एक्सिलरेशन ऑफ प्रोटॉन। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व आप लोग ही कर लीजिएगा यार, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड करना और पावर सॉल्व कर लेना, आपका एक्सिलरेशन निकल जाएगा, चारों ऑप्शन से मैच कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना सा काम आप लोगों को करना है बेटा, ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीन क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर और ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब जैसा हमने अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना बेटा, बिल्कुल ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, पूरी कहानी मैं आपको सिखाऊंगा, आपका काम सिर्फ इतना है कि कैलकुलेशन पर कमांड बनाइए, क्योंकि कैलकुलेशन सिखाई नहीं जा सकती है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़िया होगी आपकी। मैं यहाँ अगर कैलकुलेशन सिखाऊँ तो आप नहीं सीख पाओगे, आप कैलकुलेशन अपनी प्रैक्टिस से सीखोगे। भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हर बच्चे से आता है, अगर ना आता होता तो आप 12th क्लास में ना होते। पावर सॉल्व करना भी सभी लोगों को पता है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि कैलकुलेशन अपने हाथ से करनी है, विदाउट कैलकुलेटर करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर तरीके से तुम्हारी कैलकुलेशन की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होगी, ठीक है, नई नई चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी कैलकुलेशन करने से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, द एक्सिलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन वेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, हमें दिया है, एक तो दिया है हमें इलेक्ट्रॉन और एक हमें दिया है प्रोटोन, और इनके जो बीच का गैप है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, आप देखो जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इनके बीच में काम करेगा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, प्रोटॉन जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम करेगा वो भी एफ काम करेगा और प्रोटॉन पर जो फोर्स काम करेगा वो भी एफ काम करेगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा इतना A1, प्रोटॉन जाएगा इधर और जब प्रोटॉन इधर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा इतना A2। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो पहले हमें इनके बीच में फोर्स निकालना पड़ेगा कि इनके बीच में फोर्स काम कर कितना रहा है, और फोर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके बीच का गैप भी हमें पता है, कूलम्स लॉ लगाओ और इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करो। चलिए भैया कूलम्स लॉ लगाते हैं और इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10^9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10^-19। प्रोटॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10^-19। और इनके बीच का गैप हो गया 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10^-10^2। 10^-10^2 ये इनका बीच का गैप हो गया बेटा, 10^-10^2।
उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी। आप हमारी बात को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। इतना फोर्स काम करेगा इनके बीच में, ठीक है। देखो बेटा आगे, फोर्स इज इक्वल टू 9, साथ में है 1.6, साथ में है 1.6, ओके, 9 × 1.6 × 1.6, ये −19 −19 यानी −38, और ये हो गया +9, तो ये हो गया हमारे पास में 10^−29, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10^−20। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बेटा। सो फोर्स इज इक्वल टू 9 × 1.6 × 1.6 2.56, −20 ऊपर जाएगा तो +20 बन जाएगा, 10^−29 × 10^+20। सो फोर्स इज इक्वल टू 9 × 2.56 × 10^−9 न्यूटन। इतना फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में हमारे पास में, इतना फोर्स काम करने वाला है बेटा इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमारे पास में, इतना फोर्स काम करेगा। अब देखो यार, फोर्स तो हमने निकाल दिया भैया, फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर दिया, फोर्स तो हमने निकाल दिया, लेकिन फोर्स के बाद अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। अब कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन, ज़रा आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स काम कर रहा है F, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना है A1, तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे बेटा, F इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इक्वल टू ma, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नीचे है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकालना है तो फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हमें प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकालना है तो फोर्स को प्रोटॉन के मास से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो फोर्स कितना आया आपके पास में, फोर्स आया है हमारे पास में ये, फोर्स आया है हमारे पास में ये 9 × 2.56 × 10^−9। बेटा यही आया है ना फोर्स हमारे पास में, 10^−9, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10^−31, 9 × 10^−31। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करोगे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकल गया। अब अगर आपको प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकालना है तो फोर्स तो उतना ही है, ठीक है, प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर दो, प्रोटॉन का मास है इतना, बात समझ में आ रही है बेटा, और जैसे ही डिवाइड करोगे ये आपका प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हो गया, ये प्रोटॉन का एक्सीलरेशन हो गया, ऐसे हम निकालेंगे। सबसे पहले इनके बीच में काम करने वाले फोर्स को हमने कैलकुलेट किया, फोर्स कैलकुलेट करने के बाद में हमने उस फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकल गया, फिर हमने फोर्स को प्रोटॉन के मास से डिवाइड किया तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकल गया, ऐसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यही चार क्वेश्चन बच्चों ने हमारे पास में डाउट के लिए भेजे थे और वही चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी टेस्ट में कोई डाउट आप लोगों का बचा हुआ है तो बिल्कुल फ्री फील करते हुए आप उस टॉपिक का नंबर या उस अपने डाउट का नंबर, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन रहा है आपका डाउट, उसका नंबर मेरे पास में व्हाट्सएप कर दीजिए। अगली क्लास में, आने वाली क्लासेस के अंदर मैं उस डाउट को आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, चाहे वो थ्योरेटिकल डाउट हो चाहे वो न्यूमेरिकल डाउट हो। मतलब क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी झिझक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री फील करना है आपको क्वेश्चन पूछने में, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। आपके स्टडी मटेरियल में आपका असाइनमेंट मौजूद है, वहाँ चार्ज और कूलम्स लॉ के खूब सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नीट को बेस मानकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई स्टडी मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जो क्लास नोट्स आप पढ़ रहे हो उन्हें लगाओ, साथ में एक बुक आती है NCERT एट योर फिंगर टिप्स MTG पब्लिकेशन की, उस बुक को लगाओ, गारंटीड आपका नीट क्लियर होगा उसी एक बुक के सहारे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे JEE के एस्पिरेंट्स हैं वो NCERT SC वर्मा एडवांस पढ़ना है तो BM शर्मा की किताब लगाना स्टार्ट करें, और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के निकल कर आ रहे हैं अपने डाउट क्लियर करना स्टार्ट करें। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कोई भी डाउट आप लोगों का निकल कर ना आए, पूरी कहानी आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना डाउट आप क्लियर करें बेटा, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए आराम से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाते हैं कूलम्स लॉ में, देखते हैं कि आगे का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहेगा, अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, हालांकि क्वेश्चन से इसका कोई खास ज़्यादा मतलब है नहीं बच्चों, मतलब प्रॉब्लम से इसका कोई खास ज़्यादा सरोकार नहीं है, क्वेश्चन से कोई खास मतलब नहीं है, मात्र एक फॉर्मेलिटी है और उसी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ रिपल्शन ऐसे काम करेंगे, अट्रैक्शन ऐसे काम करेंगे, ठीक है ना, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आप लोगों से इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसे पढ़ना है। देखो बेटा, मान लो कि एक चार्ज हमें दिया गया है प्लस Q1, दूसरा चार्ज हमें दिया गया है प्लस Q2। अब आप जानते हो कि प्लस प्लस एक दूसरे को करेंगे रिपेल, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, ओके, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ। इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो भी F, इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो भी F, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो भी F है, इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो भी F है हमारे पास में। तो हम लोग लिखेंगे ये कौन सा फोर्स है, ये किसने लगाया फोर्स, ये फोर्स सेकंड ने फर्स्ट पर लगाया, तो हम इसे लिखेंगे F21, इसे हम लोग लिखेंगे बच्चों F12, सेकंड ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया, बात समझ में आ रही है। ये फोर्स किसने लगाया, ये पहले वाले ने दूसरे वाले पर लगाया, तो हम इसे लिखेंगे F21, मतलब इसे पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, F12 और F21, F21 का मतलब है पहले वाले ने दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगाया। तो हम ये कहेंगे कि जितना फोर्स दूसरा पहले वाले पर अप्लाई करेगा बिल्कुल उतना ही फोर्स पहला दूसरे वाले पर अप्लाई करेगा बेटा, जितना फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट वाले पर अप्लाई करेगा बिल्कुल उतना ही फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड वाले पर अप्लाई करेगा, और माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा, ये जो माइनस साइन आपको यहाँ दिख रहा है ना बेटा, ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ओपोजिट होगी, यानी अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा ना तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। पहले तो आप इसे पढ़ने का तरीका जान लें, F12 का मतलब है सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले पर कितना फोर्स अप्लाई किया, F21 का मतलब है फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले पर कितना फोर्स अप्लाई किया, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है, माइनस साइन इसी बात को इंडिकेट करेगा कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है, लेकिन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, जितना फोर्स ये इस पर अप्लाई करेगा बिल्कुल उतना ही फोर्स ये इस पर अप्लाई करेगा।
और वेक्टर फॉर्म में अगर हम उस फोर्स को लिखना चाहते हैं ना बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में भाई कॉमनली अगर हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर कॉमनली हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि एफ के ऊपर वेक्टर का साइन आ गया है। तो इधर वेक्टर दिखाने के लिए हम यहाँ आर के ऊपर ना कैप लगा देंगे बेटा, आर कैप, हम इसे मॉड आर कैप भी लिख देते हैं, कई बार आर कैप भी लिख देते हैं और मॉड आर कैप भी लिख देते हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है या डायरेक्शन को दिखाने के लिए है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए है, ठीक है। इस मॉड आर वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और इस मॉड आर कैप की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर और इसकी वैल्यू होती है 1। ये है बेटा हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हमें इससे कोई नई बात सीखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी कभार पूछ ली जाती है, और अगर पूछ ली जाए तो आप कुछ इस तरीके से वहाँ पर लिखेंगे कि भाई F 2 से 1 या 1 से 2 का मतलब है पीछे वाले ने आगे वाले पर कितना फोर्स लगाया, पीछे वाले ने आगे वाले पर कितना फोर्स लगाया। माइनस साइन इस बात को इंडिकेट करेगा कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या तो ओपोजिट रहेंगी ऐसे या रहेंगी ऐसे, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को लिखेंगे कुछ इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर बेटा। अगला टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास में पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये है हमारे पास में टॉपिक पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आइए देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर फॉर्म कैसे काम करता है। भाई हम लोगों ने लेट किया बेटा कि इधर है एक्स एक्सिस और यह है हमारे पास में वाई एक्सिस, ठीक है। एक चार्ज है यहाँ पर और एक चार्ज है हमारे पास में यहाँ पर। इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमें दिया गया है आर वन वेक्टर, और इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमें दिया गया है आर टू वेक्टर। इस चार्ज का नाम है हमारे पास में क्यू वन और इस चार्ज का नाम है हमारे पास में क्यू टू, और ये है इनके बीच का गैप, ठीक है। ये कंडीशन हमें दे रखी है, यानी अब तक तो हम सिंपल तरीके से कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे थे, अब हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है बेटा। जिस वेक्टर को हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, जिस वेक्टर को हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, यानी ये वाला चार्ज ओरिजिन से कितना दूर है, आर वन दूर है, तो ये आर वन हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये वाला चार्ज ओरिजिन से कितना दूर है, आर टू दूर है, तो ये भी हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और ये हो गया इनके बीच का गैप, इस गैप को हम कहेंगे बेटा आर वेक्टर, हमने इस गैप को कहा है आर वेक्टर। अब आप देखो, मान लेते हैं कि यह है प्लस क्यू वन और यह है प्लस क्यू टू। ये प्लस क्यू वन इसे इधर रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू टू इसे इधर रिपेल करेगा, बात समझ में आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को इधर ऐसे रिपेल करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, According to Coulomb's law, the force act
द फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस इज, द फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। आप जानते हो भाई जब भी हम फोर्स निकालते हैं तो 1/4πε0 तो आता ही आता है। यहां का चार्ज कितना है? Q1, समझ रहे हो? यहां का चार्ज कितना है? Q2। अच्छा, इनके बीच का गैप कितना है? यहां से लेकर यहां तक इनके बीच का गैप है R। लेकिन खाली R नहीं लिख सकते हैं, इस R को मॉड में बंद करके लिखना पड़ेगा। खाली R डिस्टेंस को शो नहीं करता है भाई, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना बेटा। अगर हमें इसे डिस्टेंस में कन्वर्ट करके लिखना है ना, तो R के दोनों तरफ मॉड बंद करके तब यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास में फोर्स हो गया 1/4πε0 Q1 Q2, खाली R लिख लिया करो, ऐसी ऐसी बात वहीं के वहीं लिख लो कि खाली R क्यों नहीं लिख सकते हैं। खाली R इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि खाली R वेक्टर को शो करता है, हमें चाहिए दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। अगर खाली R को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो उसके दोनों तरफ मॉड लगाना पड़ेगा और स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया R के ऊपर कैप, यानी यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास में कूलम्स लॉ हो गया बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड R का स्क्वायर R वेक्टर। अब आप देखिए बेटा, हमारे पास में यहाँ पर बन रहा है एक ट्राइंगल। कैसे? इस वेक्टर का नाम है R1 वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है हमारे पास में R2 वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम है हमारे पास में R वेक्टर। दिख रहा है आप लोगों को? ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये ट्राइंगल मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ बना लिया। एरो का साइन ये ट्राइंगल में, ये एरो का साइन आप इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में। अब हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है बेटा, आपके सामने ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की तीन साइड है, दो ग्रीन है और एक येल्लो है। आप इस ग्रीन को और इस येल्लो को देखो, एक के पीछे एक है या नहीं है? एक के पीछे एक, और ये जो R2 है ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। R1 और R तो है सेम डायरेक्शन में, ऐसे एक के पीछे एक, और R2 इनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि जो 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 दो साइड एक के पीछे एक हैं, उन दोनों को जोड़कर तीसरे वाली साइड के इक्वल रख दो। यानी ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों की दोनों साइड एक के पीछे एक है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा बेटा, R1 प्लस R, और जोड़कर R2 के इक्वल रख दिया, R2 के ये रख दिया हमने R2 के इक्वल। तो यहाँ से R वेक्टर की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बस अब आपको एक काम करना है बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ से उठानी है और यहाँ पुट करनी है। देखो आगे, ये हमारी R की वैल्यू निकल गई। पहले आप इतना नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से करिए। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया? तो देखो बेटा, फोर्स की जो वैल्यू थी हमारे पास में वो ये थी, 1/4πε0 Q1 into Q2 upon
मॉड आर स्क्वायर और यहाँ था आर यूनिट वेक्टर। अब ये जो आर यूनिट वेक्टर आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, देखो ये सारी बातें 11th क्लास की है, अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखते रहना बेटा। इसकी जगह लिखा जा सकता है ये आर अपॉन मॉड आर, ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास में बनेगा फोर्स इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 into Q2 upon mod R square और यहाँ बनेगा हमारे पास में R upon mod R। ठीक है, देखो आगे force F vector is equal to 1/4π ε0 Q1 into Q2 upon, भाई इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 3 और ऊपर बन जाएगा हमारे पास में r वेक्टर। अब r की जो वैल्यू हमने निकाली है वो कितने निकाली है, अभी हमने आपके सामने r की वैल्यू निकाली थी बेटा, r की जो वैल्यू हमने आपके सामने अभी निकाली थी, r की वैल्यू निकाली थी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। एक काम करो, बस जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ ये रख दो r2 माइनस r1, तो फोर्स बनेगा अपने पास में 1/4π ε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की होल पावर 3 और यहाँ आ जाएगा अपने पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लो भैया, कुल मिलाकर ये हमारे पास में बनेगी पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, पहले आप बिल्कुल शांत दिमाग से इसे पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये तो आपने नोट कर लिया होगा पूरा अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर एक और बार मैं आपको बताता हूँ, एक और बार मैं आपको समझाऊँगा, उसके बाद कम से कम 3 बार आपको इसे ही अपनी कॉपी में रिपीट कर करके देखना है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 2 नंबर या 3 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यही आपका होमवर्क है, एक तो वो 4 क्वेश्चन जो मैंने कराए वो, और ये जो मैं करा रहा हूँ यही आपका होमवर्क है कि इस डेरिवेशन को कम से कम 3 से 4 बार अपनी कॉपी में रिपीट कर करके देखना है। और जहाँ ऐसा टर्म आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये 11th क्लास का टर्म है, उसे वहीं बॉक्स बनाकर लिख लो और उस पर लिख दो कि 11th क्लास का टर्म है, अंडरलाइन कर दो या बॉक्स कैसे भी बंद कर दो, कलर कर दो, बस याद रखना है उस टर्म को अच्छे तरीके से। पहले नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आपने नोट कर लिया होगा तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, ये है हमारे पास में x एक्सिस, ये है y एक्सिस, एक चार्ज हमारे पास में यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया, एक पोजीशन वेक्टर ये। पोजीशन वेक्टर वो जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, समझ रहे हो आप लोग। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। अब इन दोनों के बीच क्या तो एरो का साइन इधर बना दो या एरो का साइन उधर बना दो, मतलब हल्का सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि एरो का साइन किधर बनाना है, किधर भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हमने गैप इनके बीच का लेट कर लिया आर, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा बेटा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4π ε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड आर का स्क्वायर और साथ में है आर कैप। ये मॉड आर मैंने इसलिए लिया क्योंकि आर डिस्टेंस को शो नहीं करता है, हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस चाहिए ना तो इस आर को मॉड में बंद करना पड़ेगा, तब जाकर ये डिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर और डायरेक्शन दिखाने के लिए आर कैप।
अब ये आर कैप कितना आएगा, पहले आर कैप की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं। आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर। जब यहाँ हम लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड आर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसकी, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट बनेगा हमारे पास में 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड आर की होल पावर 3 और साथ में है आर वेक्टर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे होल पावर 3 और वो आर। वैसे तो अगर हम चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जो बच्चे इससे आगे नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ भी छोड़ दें, यहाँ तक भी उन्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि वे पूरी जानकारी हम लोगों को मिले तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास में जो ट्राइंगल है वो ऐसा है, हमारे पास में जो ट्राइंगल है वो ऐसा है, ये आर है, ये आर वन है और ये आर टू है। बस एक काम करना है आपको, ध्यान दीजिए जरा, देखो ये जो आर वन और आर है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके एरो से इसका एरो मिल रहा है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, और यहाँ एरो से ये टेल मिल रही है तो ये सेम डायरेक्शन है। तो इन दोनों को जोड़कर इसके इक्वल रख दो। ट्राइंगल में जो दो साइड एक ही डायरेक्शन में है उन्हें जोड़कर तीसरे वाली के इक्वल रख दो। तो यहाँ से R की वैल्यू हमारी निकल जाएगी बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बस R की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करना और यहाँ पुट करना, आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी आप लोगों को बात, कोई परेशानी नहीं होगी। कम से कम 3 से 4 बार इसे रिपीट करें अच्छे तरीके से, तब जाकर कहीं आपका बढ़िया से काम बनेगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम कूलम्ब्स लॉ के लास्ट टॉपिक में। टॉपिक भी नहीं कह सकते, एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट क्या है जरा समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, भाई मान लो कि एक चार्ज है मेरे पास में Q1, दूसरा चार्ज है मेरे पास में Q2, इनके बीच का जो गैप है वो मुझे दे रखा है R, और इनके बीच में कुछ नहीं है, इनके बीच में एयर है। एक पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट हमारे पास में हो गया बेटा ये, एक चार्ज है मेरे पास में Q1, दूसरा चार्ज है मेरे पास में Q2, इनके बीच का जो गैप है वो है मेरे पास में R, और हमने इनके बीच में यानी यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक फिल करा दिया है पूरा, ये पूरा डाई इलेक्ट्रिक मैंने यहाँ भर रखा है डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक का जो कॉन्स्टेंट है वो है K, ठीक है। और थर्ड कंडीशन मेरे पास में ये है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो कंप्लीट गैप है हमारे पास में वो है R। यहाँ इस जगह हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है ऐसे, ठीक है, यानी पूरी तरीके से नहीं भरा हमने बच्चों से, इसमें तो हमने पूरी तरीके से भर रखा है, यहाँ हमने एक हल्का सा कोई टुकड़ा रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा, थर्माकोल का टुकड़ा या किसी और चीज़ का टुकड़ा यहाँ हमने रख दिया। इसकी जो मोटाई है वो हमें दे रखी है T, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है K। अब आपको बताना है कि तीनों कंडीशन में कितने फोर्स काम करेंगे, तीनों कंडीशन में कितने फोर्स काम करेंगे। सबसे पहली कंडीशन बहुत आसान, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में फोर्स काम करेगा, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा बच्चों। इन तीनों कंडीशन में सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ काम कर रहा होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ कितना फोर्स काम करेगा, फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो फोर्स काम करेगा ना भैया, मिनिमम फोर्स काम करेगा, सबसे कम फोर्स यही काम करता है जब हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से भर देते हैं। और तीसरी कंडीशन में हमने पार्शियली फिल करा के रखा हुआ है,
तो मॉडरेट फोर्स काम करेगा, मॉडरेट मीडियम फोर्स काम करेगा, ठीक है। कितना होगा मॉडरेट फोर्स, ध्यान से, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर। आर क्या है भैया, यहां से लेकर यहां तक का गैप आर है। उसके बाद माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का होल स्क्वायर, इतना फोर्स काम करेगा इनके बीच में, इतना फोर्स काम करेगा। तो एयर में इतना फोर्स काम करेगा, मीडियम में इतना फोर्स काम करेगा, और अगर हमने ऐसे ही मटेरियल भर रखा है तो इतना फोर्स काम करेगा। टी का मतलब है ये थिकनेस, आर का मतलब है ये पूरा गैप, और के की वैल्यू है कम। इन सब में सबसे ज्यादा फोर्स है एयर वाला, फिर है ये मीडियम यानी मॉडरेट वाला, मॉडरेट वाला फोर्स, और सबसे कम है जब हमने कंप्लीटली मीडियम फिल किया है, कंप्लीटली मीडियम फिल किया है। तो कभी कभी इन पर भी बेटा प्रॉब्लम आ जाती है, जो आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। तो भैया इसके साथ कोलम्स लॉ हो गया हमारा फिनिश। मतलब मैंने अपनी तरफ से आज जितने क्वेश्चन मैं करा सकता था मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी कवर हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, हर एक कंसेप्ट आपका कवर हो गया अच्छे तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैं 2 से 3 क्वेश्चन कूलम्स लॉ के आपको डेली रिवाइज भी कराऊंगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे लेवल के, मतलब अब हम और स्टैंडर्ड लेवल पर जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना काम अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है क्लास में, इससे आपका बोर्ड लेवल बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपका नीट लेवल बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपका मेंस लेवल बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, लेकिन एडवांस कवर नहीं होगा। अब एडवांस लेवल कवर करने के लिए हम और ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बच्चों मैं आपको धीरे धीरे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पर बताकर चलूंगा, जिनका लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड रहेगा। अब जो बच्चे उसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़कर उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर बात है, ठीक है। अब हम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नीट मेंस और बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। तो कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, जितना पढ़ा दिया है, जो होमवर्क दिया है वो प्रॉपरली अपना होमवर्क आप करके लेकर आएंगे। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।